हेलो जी नमस्कार सलाम सत श ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर के एम बी बी एस फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं मसल फिजियोलॉजी मसल फिजियोलॉजी का एक लेक्चर पहले भी आपके साथ ले चुका हूँ चैनल का प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा वहाँ पे आपको बहुत सारे और वीडियोस मिल जाएंगे एनाटॉमी के फिजियोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री के और एमबीबीएस में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी हैं इस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं एक बार स्क्रीन पे नज़र डालना चाहूँगा कौन कौन से डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो ये है फारिया खान मयंक विजय प्रवीण सोहेल सुदीप शालिनी सृष्टि शिखा कुणाल आयुष सुदीप वंडरफुल सबका तहे दिल से स्वागत है मैं चाहूँगा कि लिंक ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मोर द नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग अ कॉमन गोल मोर इज़ द पॉजिटिव एनर्जी आज के सेशन में मसल फिजियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे कि न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे होता है एसिटाइल कोलिन न्यूरो बनता कैसे है रिलीज़ कैसे होता है जब रिलीज़ होता है तो अपने रिसेप्टर्स के साथ कैसे बाइंड करता है एसिटाइल एसीटाइलकोलिन के बाइंड करने पे आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं पोस्ट साइनप्ट मेम्ब्रेन में कैसे एंड प्लेट पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में परिवर्तित होता है कैसे कैल्शियम आयन्स रिलीज़ होते हैं सार्कोप्लाजमिक रेटिकुलम से सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड हाँ एक काम ज़रूर कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हेलो संतोष क्षितेश हिमांशु वेलकम जी मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 23 इयर्स ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके सामने हूं जी। आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप एमबीबीएस के जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्टडी मटेरियल शेयर किया जाता है लेक्चर्स को लेके इन्फॉर्मेशन शेयर होती है एम के वो स्टडी ग्रुप्स आप व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बिना किसी देरी के बिना किसी विलंब के आज के सेशन का आगाज करते हैं जी अक्षय ठाकुर न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है मोटर एंड प्लेट्स आपको पता होना चाहिए क्या होती है एसिटाइल कोलिन सिक्रीट कैसे होता है ये जानेंगे हम डिजीजेज ऑफ एन एम जे एन एम जे मीन्स न्यूरो मस्कुलर जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिजीजेज में दो अहम डिजीज़ेस हम डिस्कस करेंगे वन इज माइस्थीनिया ग्रेविस एंड सेकेंड इज लैम्बोट ईटन सिंड्रोम दोनों की डिटेल्स आपको बताऊंगा और उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है ड्रग्स विच अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक बार हल्का सा रिकैप ले लेते हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट स्टोरी जो अनफोल्ड होगी वो स्केलेटल मसल्स की रेफरेंस में ही होगी आप जानते हैं मसल्स मीजोडामल इन ओरिजिन होते हैं और शरीर में तीन तरह के मसल्स होते हैं हार्ट में कार्डियक मसल्स इंटरनल हॉलो ऑर्गन की लाइनिंग बनाते हैं स्मूथ मसल्स एंड हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं बहुत सारे मसल फेसिक्यूलाई से मसल फेसिक्यूलाई बने होते हैं बहुत सारे मसल फाइबर से और एक मसल फाइबर एक सिंगल मसल सेल है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ मेनी मायोब्लास्ट स्क्रीन पे जो तस्वीर आपको दिख रही है जरा गौर से देख लीजिए ये हम रिवाइज कर रहे हैं जो हम पिछले सेशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं एक क्विक रीकैप आपको दे रहा हूं ताकि स्टोरी की एक कंप्लीट कॉन्टिन्यूटी बन जाए देखिए बेटा दिस इज बोन मसल और बोन को जोड़ता है आपस में टेंडन मसल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपीमाइसियम मसल बना हुआ है बहुत सारे मसल फैसिकुलाई से फेसिकुलाई को कवर करता है पेरीमाइसियम और फेसिकुलाई बने होते हैं मसल फाइबर से जिसकी कवरिंग होती है एंडोमाइसियम तो इस स्ट्रक्चर में आपको मसल मसल के अंदर मसल फेसिकुलाई मसल फेसिकुलाई के अंदर मसल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं एक और बेहतरीन डायग्राम आपके सामने है हड्डी की सबसे बाहर वाली लेयर होती है पेरीऑस्टियम बोन की हिस्टोलॉजी में ये बात हम पढ़ेंगे आपको टेंडन नज़र आ रहा है एपीमाइसियम सबसे बाहर वाली लेयर एपीमाइसियम को काटेंगे उसके नीचे आपको कंप्लीट मसल नज़र आएगा और वो मसल जो है वो बना हुआ है बहुत सारे मसल फेसिकल्स से जिसकी कवरिंग है पेरीमाइसियम और मसल फेसिकल्स किससे बने हैं बहुत सारे मसल फाइबर से मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं आप जानते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स वॉलेंट्री होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स आपके कॉन्शियस कंट्रोल में हैं आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाते हैं उन्हें और एक्टिविटी जो है कॉन्शियसली कंट्रोल होती है बाय न्यूरॉन्स व्हिच आर पार्ट ऑफ योर सोमेटिक या वॉलन्ट्री डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे हम उसमें जानेंगे एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक होता है सोमेटिक और द वेंट्री नर्वस सिस्टम जो आपके वॉलन्ट्री मसल्स को सप्लाई करता है जल्दी से एक मसल फाइबर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं एक सिंगल मसल फाइबर जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है एक मसल फाइबर एक सिंगल सेल होता है मायोसाइट भी कहते हैं उसे एंड इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेनी मायोब्लास्ट मायोब्लास्ट आर द मसल फॉर्मिंग सेल्स विच आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाजम कहते हैं और में बहुत सारा ग्लाइकोजन भी होता है आप जानते हैं एवरी ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द बॉडी कैन स्टोर सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन लिवर एंड मसल कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए मसल फाइबर के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं आप जानते हैं उन्हें सार्कोसोन्स कहा जाता है सार्कोलेमा जो होती है उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर हम देखें उसमें एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद एक आउटर कोट होता है जो कि पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है और उसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं हेलो प्रमोद हेलो कुनाल कैसे हैं आप राइट right? ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ना लेक्चर है ना लेट्स हैव मोर एंड मोर लाइक माइंडेड पीपल चलिए जी ना सार्कोलेमा जो है बेटा एट ईच एंड ऑफ द मसल फाइबर द सरफेस लेयर ऑफ सार्कोलेमा फ्यूजेस विद द टेंडन फाइबर सार्कोलेमा किनारों में जाकर के टेंडन की जो लेयर है उसी के साथ जुड़ जाती है क्लियर है ये सारी बातें आपको पिछले सेशन में भी बता चुका हूं सिर्फ एक क्विक रिकैप दे रहा हूं मसल फाइबर के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है याद रखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगे स्केलेटल मसल फाइबर में आपको यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ये गोल्डन से गोल्डन येलो कलर से नजर आ रहे हैं और मसल फाइबर के अंदर लंबे लंबे जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो माइो हैं माओ फाइब्रिल्स माओफिलामेंट से बने होते हैं थिक माओफिलामेंट थिन माओफिलामेंट मैंने आपको बताया था स्केलेटल फाइबर्स में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड है, है, है ना क्यों है मल्टी न्यूक्लिएटेड बिकॉज एक सिंगल मसल फाइबर जो है बहुत सारे मायोब्लास्ट की फ्यूजन से बना है मायोब्लास्ट क्या होते हैं मायोब्लास्ट्स आर द मसल फॉर्मिंग सेल्स विच आर प्रेजेंट इन एन एक भ्रूण जब मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है उसमें मायोब्लास्ट होते हैं तो क्योंकि बहुत से मायोब्लास्ट की फ्यूजन से बने तो हर मायोब्लास्ट की न्यूक्लियस भी तो मसल फाइबर में होगी एक सिंगल मसल फाइबर तीस सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ खिसका हुआ होता है सो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर पेरीफेरली लोकेटेड मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा उसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं बहुत जगह जगह पे और उन टाइनी इन ऑफ द सार्कोलेमा को कहा जाता है ट्रांसफर्स टिब्यूल्स जैसे ये सार्कोलेमा ये अंदर की तरफ इनफोल्डेड है दिस 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 इज 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 वन टी 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 अनदर अनदर जिसके कारण बहुत ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है यहाँ पे ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये सार्को रेटिकुलम के टर्मिनल सिस्टरने हैं है रेटिकुलम का जिक्र करेंगे वो मसल फाइबर के अंदर कैल्शियम आयन स्टोर करता है मोटर यूनिट क्या है एक मोटर न्यूरॉन और जिस मसल फाइबर्स को वो सप्लाई कर रहा है वो मिलकर के मोटर यूनिट बनाता है ईच सिंगल मोटर न्यूरोन एंड द मसल फाइबर्स इट इनरवेट कॉन्स्टिट्यूट द मोटर यूनिट मोटर यूनिट्स के बारे में और डिटेल में हम आने वाले सेशन में जानेंगे एक्सेप्ट फॉर अबाउट टू परसेंट ऑफ द फाइबर्स दो परसेंट फाइबर्स को छोड़ दीजिए उसके अलावा ईच फाइबर इज यूजली इनरवेटेड बाई वन नर्व एंडिंग राइट right? मान लीजिए ये एक मसल फाइबर है और ये एक नर्व एंडिंग है जो आकर के इसे स्टिमुलेट कर रही है इसके साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रही है राइट right? तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पहले का कि भाई मसल फाइबर का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए इसको और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए जो पिछला लेक्चर है वो जरूर देख लीजिएगा फास्ट करके स्पीड देख लेना बेशक नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हाउ कैन वी डिफाइन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इसको माओ न्यूरल जंक्शन भी कहते हैं इट इज द जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड द मसल फाइबर राइट ट तो कर रहे हैं स्केलेटल मसल फाइबर को स्केलेटल मसल फाइबर तक जो न्यूरोन पहुंच रहा है उसे सोमेटिक मोटर न्यूरोन कहते हैं एंड लास्ट व्यू में मैंने आपको यह दिखाया है जरा गौर से देखेगा आपको क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा होगा ये वाली चीज क्या होगी बेटा ये शॉन सेल होगा है ना को कवर करते हैं शॉन सेल्स या न्यूरोलेमोसाइट्स जो कि माइलिन शीत बनाते हैं उसके बाद आप एक्जोन कोलेट्रल देख पा रहे हैं सोमेटिक मोटर न्यूरॉन का कोलेट्रल का मतलब होता है एक लेट्रल ब्रांच एक्जोन की ब्रांचेस भी हो सकती हैं तो ये एक ब्रांच है जो जहां तक पहुंच रही है ये ये जो सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये फूला हुआ ये वाला इसको बोल देते हैं बेटा एक्सॉन एंड बल्ब साइनेप्टिक एंड बल्ब भी कह देते हैं यहाँ पे साइनेप्टिक एंड बल्ब लिखा हुआ है एक्सॉन कोलेट्रल के बाद ये एक्सॉन टर्मिनल नजर आ रहा है राइट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मसल फाइबर की मेम्ब्रेन सार्कोलेमा उसके अंदर ये ढेर सारी मायोफाइब्रिल्स और यहां देखिए ये बना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां पे वो एक्जोन एंड बल्ब है और कर के बिल्कुल मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फाइबर की उसके साथ है लेकिन गैप होता है दोनों के बीच में फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते ये उस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं राइट ईच सोमेटिक मोटर न्यूरोन हैज अ थ्रेड लाइक एग्जॉन that can extend from brain or from the spinal cord.

ये ध्यान देना आपको ये सेल बॉडी यहां पे है राइट right? लिखा है एक्सॉन ऑफ अ सोमेटिक मोटर न्यूरॉन ब्रांचेस मेनी टाइम्स एंड ईच ब्रांच एक्सटेंड्स टू अ डिफरेंट स्केलेटल मसल फाइबर एक्सॉन की ढेरों ब्रांचेस होंगी और वो अलग अलग मसल फाइबर्स को सप्लाई करेगा ये रहा जो सोमेटिक मोटर न्यूरोन सेल बॉडी कहां प्रेजेंट है एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर एक और बेहतरीन डायग्राम एन लार्ज व्यू में स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है और स्पाइनल कॉर्ड में आपको सेल बॉडी नजर आ रही है न्यूरॉन्स की वेंट्रल हॉर्न में इसको एंटीरियर वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं ईच स्पाइनल नर्व इज अटैच्ड टू स्पाइनल कॉर्ड बाय टू रूट्स पोस्टीरियर डॉर्सल सेंसरी रूट एंटीरियर वेंट्रल मोटर रूट क्लास इलेवेंथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा तो ये देखिए ये जो एंटीरियर वेंट्रल मोटर रूट है इसके थ्रू ये एक्सॉन आ रहा है मोटर न्यूरॉन का और ये आकर के स्केलेटल मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है प्रदीप क्लियर है बेटा राइट रमेश वंडरफुल प्यारे प्यारे लाइक जरूर आते रहने चाहिए आप लोगों के आगे देखते हैं जी स्केलेटल मसल फाइबर्स को जो एग्जॉन्स सिग्नल सप्लाई करते हैं वो बहुत बड़े बड़े लार्ज माइलीनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं एक एग्जॉन को आप एक नर्व फाइबर भी कह सकते हैं और ये ओरिजिनेट कर रहे हैं कहां से मोटर न्यूरॉन्स इन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये भी याद रखने वाली बात है ये इंपॉर्टेंट है फ्टर एंटरिंग इन टू द मसल बेली जब मसल के अंदर नर्व फाइबर एंटर कर जाता है इट ब्रांचेस एंड इट स्टिमुलेट थ्री टू सेवरल हंड्रेड तीन से लेके सैकड़ों स्केलेटल मसल फाइबर को वो सप्लाई कर सकता है राइट right? ना जो नर्व एंडिंग है वो जंक्शन कहां पर बना रही है मसल फाइबर के साथ मिड पॉइंट उसके बीच में मान लो ये मेरे हाथ में स्केलेटल मसल फाइबर है ये वाला ये एक जोन है तो लगभग इसके मिडल में जाके जंक्शन बनता है और जो सिग्नल आया वो दोनों तरफ जाएगा राइट जी द एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएटेड इन मसल फाइबर बाय द नर्व सिग्नल दैट

नर्व फाइबर फॉर्म अ कॉम्पलेक्स ऑफ ब्रांचिंग नर्व टर्मिनल्स दैट आर इनवेजिनेटेड इन टू द सर्फेस ऑफ मसल फाइबर राइट लेकिन दे लाई आउटसाइड द मसल फाइबर प्लाज्मा में जैसे ये एक एग्जॉन एंड बल्ब है और यह है जी टी ट्रिब्यूल और यह है ऐसे सार्कोलेमा राइट तो ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है इन दोनों के बीच में गैप है दैट गैप इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरो ट्रांसमिटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये गेनोंग की किताब में से लिया गया है एक्सॉन देखा माइलिन दिखी ये मसल फाइबर के न्यूक्लियाई दिखे मसल फाइबर के अंदर माओफाइब नजर आए आपको ग्रेट उसी डायग्राम को और ज्यादा एनलार्ज करके मैंने दिखा दिया में से ये डायग्राम लिया गया है क्लियर है एकदम सिंपल सपना राइट हेलो नहमत बढ़िया हिमांशु ठीक है आप ना और ज्यादा एनलार्ज व्यू में दिखा रहा हूं मैं एक सिंगल एक्सॉन एंड बल्ब को एनलार्ज कीजिए अब आप देखो मसल फाइबर के अंदर चले गए ये वाली चीज क्या है मसल फाइबर है मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं आपको ये है ना एक और चीज देखो ये एक्सॉन टर्मिनल इन द ट्रफ टी आर ओ यू जी एच साइनेप्टिक ट्रफ्ट इस गहराई को कह देते हैं ये जो इस तरीके से गहराई बनी है ना ये वाला ये कंप्लीट थिंग ये जो डिप्रेशन ये जो गड्ढा बन गया सैनेप्टिक ट्रफ इसके अंदर एक बल्ब जैसी चीज है सैनेप्टिक एंड बल्ब अब उस सैनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर ये वेसिकल्स हैं डीज आर कॉल्ड सैनेप्टिक वेसिकल्स ये बनते तो न्यूरॉन की सेल बॉडी में है वहाँ से लेके ये यहां तक एक्सोनल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचते हैं यहीं पर आपको ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आ रहे हैं यह भी ध्यान रखना है वेसिकल्स भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है मसल फाइबर के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया आप यह देखो दीज आर कॉल्ड द सब न्यूरल क्लेफ्ट ये जो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग है ना ये दीज आर दी सब न्यूरल क्लियर है इतना दिस डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दीपक कह रहे हैं ब्यूटिफुल थैंक यू सो मच चलो आगे बढ़ता हूं सुनो एट द बॉटम ऑफ द गटर गटर या वो जो ट्रफ जैसी चीज मैंने कही थी न्यूमरस स्मॉलर फोल्ड ऑफ मसल मेमब्रेन कॉल्ड सब न्यूरल क्लेफ्ट आर प्रेजेंट ये पूरी बड़ी चीज एक गटर जैसी थी ऐसे और इसमें ये सब न्यूरल क्लेफ्ट थे ऐसी थी ना ये चीज पूरी पिछले डायग्राम में जो देखा सो एट द बॉटम ऑफ द गटर और द ट्रफ देर आर न्यूमरस स्मॉलर फोल्ड विच आर कॉल्ड सब न्यूरल क्लेफ्ट दीस इंक्रीज द सर्फेस एरिया इनके कारण सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाता है एक और सुंदर सा डायग्राम मेरे लेक्चर्स की यही खासियत मिलेगी आपको इतने बेहतरीन क्वालिटी डायग्राम्स मिलेंगे ना मजा आ जाएगा देख के चलो इसकी लेबलिंग देखते हैं दिस इज द मोटर नर्व फाइबर राइट ये है माइलिन शीत जो कि इंसुलेशन का काम करती है एक्जॉन टर्मिनल यहाँ पे शॉन सेल्स भी हैं है ना आसपास उसके शॉन सेल्स प्रेजेंट हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं ये वाले माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोलिन न्यूरो का निर्माण होना है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफिर एंजाइम है वो भी हम डिस्कस करेंगे राइट ये ज्यादा सेनेप्टिक वेसिकल्स विच कंटेन एसिट एल्कोलिन हरे रंग से ये जो छोटी छोटी वेसिकल्स दिखाई गई दे आर सैनेप्टिक वेसिकल्स बनती कहाँ पे है न्यूरोन की सेल बॉडी में अभी हम देखेंगे सैनेप्टिक वेसिकल्स ऊपर से बन के बेचारी यहां तक पहुंची हैं और यहाँ पहुंचने के बाद इनके अंदर न्यूरो भरा गया सार्कोलेमा देखिए मसल फाइबर की प्लाज्मा मेमब्रेन रीजन ऑफ सार्कोलेमा विद निकोटिनिक रिसेप्टर वेरी इंपॉर्टेंट सार्कोलेमा में ये जो इस तरह से सेनेप्टिक क्लेफ्ट बनी हुई है ना टी टिब्यूल कह दो या सेनेप्टिक क्लेफ्ट्स कह दो इसमें रिसेप्टर्स हैं कैसे रिसेप्टर्स है बेटा क्या लिखा है एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है दे आर निकोटिनिक रिसेप्टर्स एक्चुअल में ये एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स होंगे हमने इन्हें निकोटिनिक रिसेप्टर्स इसलिए कहा क्योंकि निकोटीन भी इनके साथ बाइंड कर सकता है हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे मस्कैरनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं जो मस्करीन के साथ बाइंड करते हैं ऐसे हमारे शरीर में निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी हैं तो ये जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं दे आर निकोटिनिक रिसेप्टर्स अभी इनका डिटेल्ड डायग्राम भी हम आगे देखेंगे एक्जोन टर्मिनल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं

ज इट क्लियर जी अथर राइट एंजॉइंग द सेशन ग्रेट वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर देख लेना और अपना कमेंट भी जरूर किया करो सेशन खत्म होने के बाद आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट ऑन दीडियो चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से मसल में एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा उसके अलग अलग स्टेप्स हैं सो इनिशिएशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल इन्वॉल्व सबसे पहले हम रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ेंगे फिर एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर्स के साथ एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स फिर होगा मसल एक्शन पोटेंशियल का प्रोडक्शन और जब एसिटाइल कोलिन ने अपना काम कर लिया तो भाई ज़रूरी है उसके बाद एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी खत्म हो जाए एसिटाइल कोलेनस्टीरियस नाम का एंजाइम उस एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड एंड कोलिन में तोड़ देगा यह जरूरी है नहीं होगा अगर ऐसा तो एसिटाइल कोलिन लगातार अपना काम करता रहेगा और मसल कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट में रहेगा तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन इसकी भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है अपने आप में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल देखो न्यूरॉन ही तो मैसेज देगा मसल को कंट्रैक्ट होने के लिए तो वो जो एक्शन पोटेंशियल है एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करता करता एक्शन पोटेंशियल जेनरेट कैसे हुआ ये हम नर्व फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे जब न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे सो एक्शन पोटेंशियल जब आके एंड तक साइनेप्टिक एंड बल्ब पे पहुंचता है ना ऐसे समझते हैं सपोज करो ये है जी साइनेप्टिक एंड बल्ब इसके अंदर है ना ये ढेर सारी साइनेप्टिक वेसिकल्स जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस एग्ज़ॉन एंड बल्ब तक पहुंचता है तो ये जो मेम्ब्रेन है एग्जॉन एंड बल्ब की इस मेम्ब्रेन को ना प्री सनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कह देते हैं इस प्री सनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं एक एक बात इम्पोर्टेंट है सुनते जाइएगा गौर से कौन से चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओके ये चैनल्स चेंज इन वोल्टेज के रिस्पांस में खुल जाएंगे इन चैनल्स के खुलते ही यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में पड़े हुए कैल्शियम आयन्स ढेर सारे कैल्शियम आयन्स है यहाँ पे ये धड़ाधड़ अंदर आना शुरू कर देंगे कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाएगा राइट सो गौर से सुनिए राइवल ऑफ नर्व इम्पल्स एट द सेनेप्टिक एंड बल्ब कॉजेज मैनी सेनेप्टिक वेसिकल्स टू अंडर गो एक्जोसाइटोसिस इम्पल्स के यहाँ पहुँचते ही ये सेनेप्टिक वेसिकल्स का एक्जोसाइटोसिस होगा मतलब ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके अपना एसिटाइल कोलिन बाहर निकालेंगी लेकिन कैसे उसके भी मल्टीपल स्टेप्स हैं वो हमें समझने हैं अभी सेनेप्टिक दे फ्यूज़ विद मोटर न्यूरॉन्स प्लाज्मा में क्वेश्चन इज कि यह जो एक्शन पोटेंशियल पहुंचा है एक्सॉन एंड बल्ब तक उसने कैसे वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस करवा दिया तो अब हम समझने वाले हैं एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन कैसे एसिटाइलकोलीन बना और कैसे वो रिलीज हुआ रुचि गौरव प्रज्ञा क्लियर है एसिटाइलकोलीन का सिंथेसिस और एसिटाइलकोलीन का रिलीज पूरे सेशन के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा उसे भी देखना और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ेंगे तो वहां भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलीन गौर फरमाइए फॉर्मेशन

ये वेसिकल्स एक्सॉन एंड बल्ब में नहीं बने हैं कहां बने थे सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन में न्यूरॉन की जो सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के उस वेंट्रल हॉर्न के अंदर है ना वहां पे वेसिकल्स बनती हैं छोटी छोटी हैं स्मॉल वेसिकल्स 40 एन आर formed बाय Golgi apparatus कौन बना रहे हैं न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर गोल्जी apparatus सो दे आर formed बाय Golgi apparatus इन द सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरोन इन स्पाइनल cord तो वहां से बन के ये कैसे पहुंचती है एक्जॉन एंड बल्ब तक दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द टर्मिनल नर्व एंडिंग्स बाय exoplasm axon के अंदर exoplasm है

ऑल माई डॉक्टर्स एंटेरोग ट्रांसपोर्टेशन एंटेग्रेड ट्रांसपोर्टेशन इज फास्टर तो ये वेसिकल्स एक्सोप्लाजम के थ्रू जल्दी जल्दी पहुंचा दी जाती है कई चीजें ऐसी हैं जिनका उल्टा ट्रांसपोर्टेशन भी है यानी कि एक्जॉन एंडिंग सेल बॉडी की तरफ जैसे कि रेबीज वायरस है ना कई वायरसेस हैं जो चल के जाते हैं और वह धीमा होता है रेट्रोग ट्रांसपोर्टेशन इज स्लोअर चलो आगे बढ़ते हैं

सी एसिटाइल कोलिन इज द मोस्ट वाइडली स्टडीड न्यूरो ट्रांसमीटर सबसे ज्यादा स्टडी एसिटाइल कोलिन पे हुई है सबसे ज्यादा रिसर्च इस पे हुई है ओके एसिटाइल कोलिन कहां सिंथेसाइज़ होता है इट इज सिंथेसाइज़ इन द साइटोसोल ऑफ द नर्व फाइबर टर्मिनल जो एक्सॉन एंड बल्ब है यहां पे एसीएच का सिंथेसिस हो रहा है वेसिकल ऊपर से नीचे तक आई अब इस वेसिकल के अंदर ये भरना है अब एसिटाइलकोलीन बनता किससे है? सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड कोलिन व्हिच इज द एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस। सी ए टी कैट कैट है एंजाइम का नाम कैट का फुल फॉर्म है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफीरेज एसिटिक एसिड प्लस कोलिन एनजाइम इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफी एंड यू गेट एसिटाइल कोलिन नाउ दिस एसिटाइल कोलिन इज देन ट्रांसपोर्टेड इन टू दैसिकल एंड इट इज स्टोर्ड इन हाईली कंसेंट्रेटेड फॉर्म तीन लाख के करीब वेसिकल यहां इकट्ठी हो गई हर वेसिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन भरने की प्रक्रिया चल रही है टेन थाउजेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोलिन आर प्रेजेंट इन ईच वेसिकल एक वेसिकल के अंदर लगभग दस हजार एसीटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है शॉर्ट में हमने कैपिटल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल एच कोलिन के लिखा के लिए लिखा है इज इट क्लियर प्रवीण बेटा राइट right? मोहम्मद ताविल कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए आप वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाएंगे तो आपका नाम तो दुनिया अपने आप लेगी बेटा ना आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स क्लियर

इन द रिलीज ऑफ एसीटाइल कोलिम फ्रॉम दिक वेसिकल एक एक चीज मैंने क्लियरली इन स्लाइड्स में आपके लिए लिखी है तभी समय लगता है आप तक पहुंचने के लिए हर लेक्चर की तैयारी में बहुत मेहनत लगती है इसीलिए मैं आपको कहता हूं लाइक जरूर किया कीजिए आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं और जल्द से जल्द इस चैनल में आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं सो दैट इंडिया का हम नंबर वन चैनल बना दें विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट्स right so following steps are involved kisme acetylcholine ke release me. which number 1 opening of the calcium channels voltage gated calcium channels second activation of the protein kinases third docking of the synaptic vesicles very important and fourth exocytosis of the synaptic vesicles one by one ये सारे स्टेप्स हम समझते हैं कैसे कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं कैल्शियम का रोल क्या है यहां पे कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है दांतों हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए चाहिए नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस उसके लिए भी चाहिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए मिल्क प्रोटीन कैसीन की डाइजेशन के लिए चाहिए चल सबसे पहली बात ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल्स ध्यान रखना बेटा दीज आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन्हें कहते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कहाँ प्रेजेंट हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब की मेम्ब्रेन में ये देखो ये मैंने बनाया साइनेप्टिक एंड बल्ब का एक एनलाज व्यू और उसका छोटा हिस्सा दिखाया ये दिखाए मैंने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ये हमारा एक्शन पोटेंशियल यहां पे पहुंचा मेमब्रेन का नाम क्या है मेम्ब्रेन को कह दो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन साइनेप्सी तो है ये एक्सॉन का और मसल फाइबर का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक साइनेप्सी तो है तो सैनैप से पहले वाली मेम्ब्रेन एक्सॉन एंड बल्ब की हो जाएगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सो दिस एक्शन पोटेंशियल ओपन्स दीज चैनल्स व्हाट आर दीज चैनल्स कॉल्ड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इनके खुलते ही क्या होगा इनके खुलते ही यहां पड़े हुए कैल्शियम आयन्स ये ब्लैक कलर से कैल्शियम आयन्स दिखा रहा हूं ये धड़ाधड़ अंदर आना शुरू कर देंगे एक्सॉन एंड बल्ब में कैल्शियम कहां से आया कैल्शियम आयन्स आर प्रेजेंट इन दी एफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्लियर है इतनी बात है ना बिलाल क्लियर है महक बेटा कैल्शियम का के एंट्री हो गया सो so, इनसाइड सरफेस ऑफ द न्यूरोनल मेम्ब्रेन देर आर लीनियर डेंस बार्स अब ये एक बात पढ़ने वाली है ये गेनोंग की किताब आप पढ़ेंगे ना उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है डेंस बार्स देखिए कहाँ पे दिखाए गए हैं मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ ये वाला डायग्राम पे फोकस कीजिए इस पे कैन यू सी दीज डेंस बार ये जो डॉट जैसी चीज नजर आ रही है मैं अपने लिए भी यहाँ पे डेंस बार बना देता हूं से दिस इज वन डेंस बार

दीज आर द प्रोटीन पार्टिकल्स विच आर एक्चुअली वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इतनी बात क्लियर है स्ट्रक्चर के हिसाब से इतनी बात क्लियर है क्योंकि अभी हमने समझना है कि ये चैनल्स खुले कैसे हैं ये चैनल्स कैसे खुले हैं जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहां तक पहुंचा है दैट एक्शन पोटेंशियल ओपन दीज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स और इन चैनल्स के खुलते ही देर इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियमाइंस ढेर सारे कैल्शियमाइनस अंदर आ जाएंगे अब आप फिर से उसी चीज को लास्ट व्यू में देखिए अमन कुमार हाँ जी देखेंगे गौर से स्क्रीन पे इधर देखो डेंस <coughs> बार्स मैंने बताई थी ये रही जी डेंस बार्स ऑन साइड ऑफ द डेंस बार देर आर कैल्शियम चैनल्स कैल्शियम चैनल से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ है कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने से ये जो सेनेप्टिक वेसिकल्स हैं अब इन्होंने अपना एसीटाइलकोलिन बाहर रिलीज करा वो कैसे करा वो भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है नाउ उसके आगे नीचे आपको क्या दिख रहा है यहां पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स दिख रहे हैं ये जो बीच वाली जगह है ना क्लेफ्ट यहीं पे ये एसिटाइल एंजाइम प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर्स के साथ जुड़ा वो क्या करेगा वो भी अभी हम समझेंगे ये रहे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स जिसके साथ एसिटाइल कोलिन ने बाइंड करना है और उसके बाद वोल्टेज गेटेड जो है वो चैनल्स और खुलेंगे विच विल डिस्कस नाउ सी अभी हम जिक्र कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल्स चैनल When action potential spreads over the terminal, the voltage-gated calcium channels open. देखा आपको इस एनिमेशन में देखिए हरे रंग का वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो हरे रंग का चैनल जब खुला तो कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ गौर से देखो कैल्शियम की एंट्री नहीं कुछ ऐसा कर देना है कि वो सैनेप्टिक वेसिकल जब मजबूर हो जाएंगी अपना न्यूरो रिलीज करने के लिए राइट right?

कैल्शियम एक्टिवेट्स कैल्शियम काल्मोडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन कालमोड्यूलिन एक प्रोटीन होता है कैल्शियम इज गोइंग टू एक्टिवेट कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन जब ये प्रोटीन एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा इट फॉस्फोरिलेट्स साइनेप्सिन प्रोटीन अब यहां पे ना बहुत सारे प्रोटीन का रोल आएगा साइनेप्टोब्रेविन सिंटेगमिन उनका रोल समझते हैं सो इट फॉस्फोरिलेट सैनेप्सिन प्रोटीन सैनपिन प्रोटीन क्या करके रखता है प्रोटीन एंकर्स एसिटाइल वेसिकल्स टू साइटोस्केलेटन ऑफ द प्री सैनिप्टिक टर्मिनल वेसिकल्स एक बंदिश में है वेसिकल्स को किसी साइटोस्केलेटल एलिमेंट ने पकड़ के रखा हुआ है वो चाहती है हमें फ्री कर दो और हम जाकर के फ्यूज कर जाए कैल्शियम ने कहा कि मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा ठीक है जी सो so, अगला स्टेप आ जाता है डॉकिंग ऑफ द वेसिकल्स एक्शन पोटेंशियल आया वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुले कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ अब आ गई वेसिकल्स की बारी की वेसिकल्स तुम क्या करोगे वेसिकल्स कहेंगे कि हम दौड़ के जाएंगे उस एक्टिव जोन के पास और वहां जाकर के अपना एसिटाइल कोलीन रिलीज कर देंगे दिस प्रोसेस फ्रीज द एसिटाइल कोलीन वेसिकल्स फ्रॉम द साइटोस्केलेटन कैल्शियम ने जब फॉसफोरिलेट कर दिया को, तो वेसिकल्स साइटोस्केलेटल एलिमेंट से फ्री हो गए वेसिकल्स दे मूव जी एक्टिव जोन तो वेसिकल्स दौड़ने लग गई उस एक्टिव जोन के पास उन्हें पता है वहां जाकर के ही हमें रिलीज करना है अपना न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स दे डॉक जाकर के लाइन में लग गई भाई आ गई हम हमारी अटेंडेंस लगा लीजिए अब ले लीजिए हमसे न्यूरो ट्रांसमीटर दे डॉक एट रिलीज साइट एंड दे फ्यूज विद न्यूरोनल मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगी यहां पे भी कई तरह के प्रोटीन्स का रोल है ठीक है जब ये वेसिकल फ्यूज कर गई तो इसने एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया यानी एक्सोसाइटोसिस हो गया ना जो रिलीज हो जाते हैं एसिटाइल कोलिन जो उसका कंटेंट है देखो गौर से एक एक ब्यूटीफुल स्लाइड मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई है सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव इनफ सफिशेंट लव टू दीज लेक्स एंड यूर लव इज किस फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए ज्यादा लोगों तक लेक्चर फैलना चाहिए आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में हैं आपके जो भी ग्रुप्स हैं एम बी बी एस के स्टूडेंट्स के सभी ग्रुप्स में ये लिंक्स जरूर शेयर कीजिएगा विद्या बांटने से बढ़ती है अब्दुल पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर है फिजियोलॉजी में हम मसल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अब्दुल बेटा राइट रुचि कह रही है डेली लेक्चर लीजिए ले रुचि डेली लेक्चर लेना बड़ा मुश्किल होता है इतनी सारी तैयारियां भी तो इन्वॉल्व होती हैं उसमें है ना पुष्कर ये ये वाला एनिमेशन भी क्लियर है वेसिकल आकर के अपना न्यूरो रिलीज कर रही है ठीक है अब देखो और बढ़िया तरीके से आपको एक चीज दिखा रहा हूं ये वाला स्लाइड देखिए जी नंबर 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 स्लाइडोली कर लेते हैं ये राजी नंबर वन एच इज रिलीज फ्रॉम दैनेप्टिक वेसिकल सेनेप्टिक वेसिकल ने एक्सोसाइटोसिस करके एच रिलीज कर दिया कहां कहाफ्ट में सेनेप्टे इज दैट स्पेस

राइट right? और साथ के साथ एसिटाइल कोलीन का टूटना भी जरूरी है अगर ये नहीं टूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी अगर वो ज़्यादा देर तक वहां पे बना रहा ओके okay? अब एक्सोसाइटोसिस से रिलीज हो गई अगर ऐसा होते होते बार बार वेसिकल टूट टूट के रिलीज होती रहेगी मतलब एक्सोसाइटोसिस होता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना अब हमें वेसिकल्स और भी तो चाहिए सेल बॉडी में बन रही है लेकिन साथ के साथ वेसिकल्स का एंडोसाइटोसिस भी हो रहा है टू बी रीफिल्ड लोकली सेल बॉडी से तो बन के आ रही हैं लेकिन उनका एंडोसाइटोसिस मतलब वापस अंदर भी आती रहती हैं जैसे मान लो ये ये इस तरह से एग्जॉन एंड बल्ब है ना तो एक्जॉन एंड बल्ब की मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ को पिंच ऑफ होती भी रहती हैं ये साथ साथ एंडोसाइटोसिस भी हो रहा है टू बी रीफिल्ड लोकली ये बात भी गैनोंग से ली गई है ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं गैनोंग फिजियोलॉजी का है इन सम इंस्टेंसेस कुछ केसेस होते हैं द वेसिकल्स एंटर एंडोसोम्स एंड आर बडेड ऑफ द एंडोसोम एंड रीफिल्ड स्टार्टिंग द साइकिल अगेन कैन यू सी दिस अर्ली एंडोसोम राइट और ये देखो एंडोसाइटोसिस से वेसिकल आई और ये एंडोसोम के साथ फ्यूज करी फिर बडिंग हुआ ये इसमें एंटर करा फिर से वेसिकल बन गई डॉकिंग हो गया वेसिकल का प्राइमिंग हुआ उसके बाद और फिर वेसिकल का रिलीज हो गया ये पूरा साइकिल आपको नजर आ रहा है राइट right? कॉन्टिन्यूसली यहां पे वेसिकल का एंडोसाइटोसिस होना एक्सोसाइटोसिस होना सेल बॉडी में तो बन के आ ही रही है न्यूरोन की सेल बॉडी से भी वेसिकल्स बन रही है शिवम इज इट क्लियर बिलाल बेटा वंडरफुल एक बात मैं श्योरिटी से कह दूं आपको इतने बेहतरीन डायग्राम्स इतना क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको किसी इंडियन चैनल पे मिलेगा देख लीजिएगा एक्सप्लोर करके राइट right? कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे अगेन द सेम डायग्राम इन एन एनलाज व्यू एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ पी और उसके अलावा किसी मटीरियल की जरूरत ही नहीं है चलिए जी <coughs> एक बात और बताना चाहूंगा कई केसेस में ऐसा भी होता है कि वेसिकल्स जाकर के पूरा एक्सोसाइटोसिस नहीं करा वेसिकल पहुंची मेम्ब्रेन के पास एक हल्का सा छेद हुआ वहां पे निकला और वेसिकल भाग के वापस आ गई राइट right? हम कई तरह के के बारे में पढ़ेंगे ना ये मैं और अलग तरह के सैनेप्सिस के बारे में बता रहा हूं राइट प्रवीण मोर कॉमनली सैनेप्टिक वेसिकल्स डिस्चार्ज देयर कॉन्टेंट्स थ्रू अ स्मॉल होल इन द सेल मेम्ब्रेन जैसे मान लो ये एक्जोन एंड बल्ब है ये एक वेसिकल है यहां पे एक छोटा सा छेद बना और उसके थ्रू रिलीज कर दिया वेसिकल ने देन दैट ओपनिंग इज रीसील्ड रैपिडली, फिर फटाफट उस छेद को बंद कर दिया जाता है और जो वेसिकल मेन वेसिकल है इट स्टेज इन साइड द सेल इसको किस एंड रन डिस्चार्ज कहते हैं कि वेसिकल गई मेमब्रेन को किस करा दौड़ के वापस आ गई और बस जो रिलीज करना था वहां पे कर दिया राइट सो ऐसा भी होता है इस तरीके से भी वेसिकल्स अपना न्यूरो रिलीज करते हैं क्लियर बेटा आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटीन्स इन एक्सोसाइटोसिस कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स विद सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व एक्शन ऑफ सेवरल प्रोटीन्स ये जो एक्सोसाइटोसिस हुआ जिसमें फ्यूजन हुआ बड़े सारे प्रोटीन इन्वॉल्व हैं जब आप गैनोंग पढ़ेंगे उसमें इनका जिक्र किया हुआ है गाइटन में इतना ज्यादा डिटेल में मॉलिकुलर लेवल पे नहीं बताया हुआ कौन कौन से हैं नंबर एन इथाइलमाइड सेंसिटिव फ्यूजन प्रोटीन सेकेंड स्नैप्स एस एन ए पी एस स्टैंड फॉर सोलिबल एनएसएफ अटैचमेंट प्रोटीन एंड थर्ड

साइनेप्टोब्रेविन इन द वेसिकल मेम्ब्रेन, वेसिकल के मेम्ब्रेन में साइनेप्टोब्रेविन है मैं बना के दिखाता हूं आपको ये रहा हमारा एक्जॉन एंड बल्ब ये है वेसिकल वेसिकल के पास वेसिकल की मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड साइनेप्टो ब्रेविन वॉट इज इट कॉल्ड सेनेप्टोब्रेविन सो सेनेप्टोब्रेविन इन द वेकल मेंब्रेन इट लॉक्स विद विच प्रोटीन सिंटेक्सिन इन द सेल मेंब्रेन अब ये जो मैमब्रेन है मतलब ये जो प्री सेनेप्टिक मैंब्रेन है इसके पास प्रोटीन है द नेम ऑफ द प्रोटीन इज सिंटेक्सिन चलिए जी लिख देते हैं ये सिर्फ दिखाने का एक तरीका है ये प्रोटीन कोई इस शेप के नहीं होंगे इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सैनेप्टोब्रेविन एंड सिंटेक्सिन आपस में मिलने जा रहे हैं सो so ये आकर के यहां पर जुड़ जाएगा सो साइनेप्टोब्रेविन इन द वेकल मैमब्रेन लॉक्स विथ सिंटेक्सिन एंड और भी प्रोटीन इन्वॉल्व है स्नैप इन द सेल मैमब्रेन इसके अलावा साइनेप्टोटेगमिन एंड स्नैप ट्वेंटी फाइव आर ऑल्सो इन्वॉल्व वेसिकल में भी होता है सेल में स्नैप 25 है उनका भी रोल है सोनेप्टोन एंड इन दैसिकल एंड स्नैप ट्वेंटी सेल मेंट इज फेसिलिटेटिंग द फ्यूजन ये सारी इंफॉर्मेशन कहा मिलेगी ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी गैन गाइटन में इतनी डिटेल्स नहीं मिलेंगी नेक्स्ट जी टीपीएस जीटीपीएस रेग्यूलेट अ मल्टीप्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहां पर जीटीपीएस का भी रोल है विच रेगुलेट अ मल्टीप्रोटीन कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस ना अब यह वन वे है इधर से इधर ही जा सकता है न्यूरो ट्रांसमीटर उधर से इधर नहीं आ सकता द वन वे गेट एट दसरी फॉर ऑर्डरली न्यूरल फंक्शन नाउ ये देखिए जितने प्रोटीन्स का मैंने नाम लिया है आप जरा स्क्रीन पे उनको गौर से देखिए सुजाता एंड आई गेट इन टू मेडिकल सुजाता आप बस मेहनत कीजिए देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस सी कैन यू सी साइनेप्टो ब्रेविन यह डायग्राम कहां से लिए गए गैन में से नाउ गैनोंग में हर चीज मोलिकुलर लेवल पे काफी डिटेल में बताई गई है साइनेप्टोब्रेविन कहां पे इन द वेसिकल वेकल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनका रोल बताइए एक्सोसाइटोसिस कैसे होता है वेसिकल का वेसिकल मेंब्रेन में साइनेप्टोब्रेविन एंड हेयर यू कैन सी सिंटेक्सिन इनका एसोसिएशन हुआ इसके अलावा देखो और कितने सारे प्रोटीन इन्वॉल्व हैं स्नैप ट्वेंटी फाइव जी टी पी एस रैब थ्री दीज प्रोटीनस एन एस एफ क्लियर है इज इट क्लियर कैन ए प्रोसीड फॉरवर्ड रतन चलिए जी एसिटाइल रिलीज हो गया एक्सोसाइटोसिस हो गया एसिटाइल रिलीज हुआ अब एसिटाइल ने क्या करना है एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर्स को ढूंढ रहा है जिसके साथ उसने बाइंड करना है एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज टू द निकोटिनिक कोलिनर्जिक नाम याद रखना एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहा जाता है कहां प्रेजेंट है सबसे ज्यादा दीज आर कंसेंट्रेटेड एट द टॉप्स ऑफ जंक्शनल फोल्ड ऑफ द मेम्ब्रेन। वो जो ऐसे ऐसे जंक्शनल फोल्ड दिखाए थे ना वहां पे प्रेजेंट है मैं रफली बना के दिखाऊं सपोज करो ये है एक एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर ये मेम्ब्रेन थी मैमब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर ये रहा एसिटाइल कोलिन यह एसीटाइल कोलिन इसके साथ बाइंड करेगा बाइंड करते ही ये वाला जो बंद दरवाजा है ना ये खुल जाएगा ये बंद दरवाजा खुलते ही धोड़ाधड़ सोडियम अंदर आएगा पोटेशियम बाहर जाएगा सोडियम ज्यादा से ज्यादा अंदर आएगा अब किस भी मैंब्रेन में सोडियम अंदर आ गया तो अंदर की साइड को पॉजिटिव कर देगा वो अभी हम देखेंगे कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गौर फरमाइए हम पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं ये है ना लाइगेंड गेटेड चैनल भी कह देते हैं एसिटाइल के रिसेप्टर को ना गेटेड चैनल भी कहते हैं लाइगेंड मींस कि किसी केमिकल के रेफरेंस में लाइगेंट वर्ड यूज कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन यहां पे लाइगेंड का, का काम करता है ऐसे चैनल्स जो किसी लाइगेंड के रिस्पांस में खुले तो ये आपके सामने है ये तो है जी मेमब्रेन और ये बड़ा सा हरे रंग का एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है और यहां पे एसिटाइल कोलिन के बाइंड करने की ये जगह दिखाई गई है कि एसिटाइल एसीटाइलोलीन भैया तुम यहां आके बाइंड कर जाओ बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन टू दीज रिसेप्टर्स इनक्रीजेज द सोडियम एंड पोटेशियम कंडक्टेंस दोनों सोडियम अंदर पोटासियम बाहर जाएगा सोडियम अंदर पोटासियम बाहर लेकिन सोडियम ज्यादा ज्यादा मात्रा में अंदर आएगा बहुत ज्यादा पॉज़िटिव आएंगे एंड प्लेट पोटेंशियल सोडियम की एंट्री हुई क्योंकि जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करा है ये देखो ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया रिसेप्टर को भी मैंने कितने व्यू में दिखाया है बाइंडिंग ऑफ द ए सी एच टू रिसेप्टर ऑन द मोटर एंड प्लेट इज गोइंग टू ओपन आयन चैनल इन दट रिसेप्टर यह रिसेप्टर अपने आप में दो काम कर रहे तो साइट uh, जहां पर जोड़ा और उसी रिसेप्टर का ही इंटीग्रल पार्ट है एक दरवाजा जो खुल जाता है जिसके जरिए सोडियम एंटर हो गया वंस द चैनल इज ओपन सोडियम आइंस कैन फ्लो अक्रॉस द मैमब्रेन ध्यान इज इट क्लियर राइट अब आगे देखिए सोडियम का इनफ्लो जब हो गया इनफ्लो ऑफ द सोडियम डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इट मेक्स द इनसाइड ऑफ द मसल फाइबर मोर पॉजिटिवली चार्ज जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल है मसल फाइबर का अब आकर के सोडियम आइन्स अंदर धड़ा धड़ा आ गए तो वो मोर पॉजिटिवली चार्ज होने लगा अब ये जो बदलाव हुआ है दिस चेंज इन द मैमब्रेन पोटेंशियल ट्रिगर्स मसल एक्शन पोटेंशियल अब यहां पे मसल एक्शन पोटेंशियल जेनेट हो जाएगा राइट अब यहां पे आप देख पा रहे हैं एक्सोसाइट हुआ वेसिकल्स का न्यूरो रिलीज हुआ रिसेप्टर के साथ बाइंड करा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते ही सोडियम की एंट्री हो गई मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ ईच नर्व इंपल्स नॉर्मली एलिसिट्स वन मसल एक्शन पोटेंशियल एक इंपल्स आई एक पोटेंशियल बना फिर इंपल्स आई फिर पोटेंशियल बनेगा तो बार बार ऐसा होगा ये दिखाया है जी हमने नर्व टर्मिनल यहां पे एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हो गया दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स डाउन डीप इनटू टू द मसल फाइबर वो जो टी ट्रिब्यूल है उसके जरिए एक्शन पोटेंशियल अंदर जाएगा दिख रहा है आपको राइट right? इसी टी टिब्यूल में ये वाली चीज जो है ना बेटा ये दिस इज वट इज टी ट्रिब्यूल ट्रांसफर्स ट्रिब्यूल इस टी ट्रिब्यूल के पास डी एच पी रिसेप्टर है यहां पर डायहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स इनका रोल अगली क्लास में बताऊंगा ये डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स जुड़े होते हैं यहां पे रायनोडीन कैल्शियम रिलीज चैनल्स के साथ जो कि प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिक्यूलम के टर्मिनल सिस्टरने में अब हम मसल फाइबर के अंदर पहुंच गए एक्शन पोटेंशियल अंदर पहुंचा एक्शन पोटेंशियल ने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कि एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कैल्शियम आइन्स रिलीज करवाने हैं कैसे होंगे वो अपने आप कैल्शियम तो दे नहीं देगा डायहाइड्रोपाइरोन रिसेप्टर्स एंड रॉयनोडीन कैल्शियम रिलीज चैनल्स के बीच में क्या कनेक्शन है ये हम अगली क्लास में समझेंगे कि एक्शन पोटेंशियल ने डायहाइड्रोपायडी रिसेप्टर से कहा अपना फुट प्रोसेस खींच लो रायनोडीन कैल्शियम रिलीज चैनल्स को ओपन कर दो रायनोडीन कैल्शियम रिलीज चैनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे तो कैल्शियम धड़ाधड़ निकल के मसल के सार्कोप्लाज्म में आ गया और कैल्शियम आयन का इंतजार कर रहा था ट्रोपोनिन प्रोटीन अब ये ट्रोपोनिन के साथ जाकर जुड़ेगा वो एक अलग कहानी है कि कैसे स्लाइडिंग फिलामेंट होगा अभी तो हम यहां तक ही पहुंचे हैं कि टाइल रिलीज हुआ अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करा सोडियम की एंट्री हुई एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हुआ द मसल एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट अलॉन्ग दार्कोलेमा इन टू द टी टिब्यूल सिस्टम टी टिब्यूल स्टैंड फॉर

टिब्यूल ट्रांसफर्स ट्रिब्यूल डीएचपी रिसेप्टर स्टैंड्रोपाइर का ये foot process आपको दिख रहा है यह जुड़ा हुआ है इस कैल्शियम रिलीज चैनल आर वाई आर रायोडीन कैल्शियम रिलीज चैनल के साथ इस चैनल के खुलते ही सार्को प्लाजमिक रेटिकुलम के अंदर पड़े हुए कैल्शियम आयंस बाहर आ जाते हैं बड़ा ही ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है अगले सेशन में और डिटेल में बताऊंगा मैं ठीक है बच्चे नो देख लीजिए दे। पे ये चैनल हमने दिखा दिया बंद है क्यों क्योंकि अब ये रीपोलराइजेशन हो गया जब वो एक्शन पोटेंशियल का आना बंद हो गया उसके बाद फिर ये चैनल भी बंद हो जाएगा ये चैनल जब बंद हो जाएगा तो कैल्शियम का रिलीज भी बंद हो जाएगा और फिर मसल रिलैक्स करेगा और कैल्शियम यहां पे देखो वापस पंप किया जा रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा प्रोटीन बोला था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम से बाइंड करता है कैल्सीक्वेस्ट्रिन कैल्सीक्वेस्ट्रिन प्रोटीन बाइंड विद द कैल्शियम आय इनसाइड दार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और बेहतरीन डायग्राम मेरे लेक्चर से ज्यादा डायग्राम्स आपको इतनी आसानी से तो कहीं और नहीं मिलेंगे ये तो श्योरिटी है क्रिस्टल क्लियर आवाज और क्रिस्टल क्लियर डायग्राम्स ब्यूटीफुल तरीके से फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं अब देखो जी मेरे राजा बेटा एक्शन पोटेंशियल दोनों दिशाओं में जा रहा है मसल फाइबर में यही बात मैंने कही थी ना दोनों दिशाओं में जाता है अब यहां पे क्या दिखाया गया ये देखो ये टी टिब्यूल के जरिए अंदर आया और कैसे इसने सार्को रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करवाया है ये पीडीएफ आपको मिलेगा प्रिंट आउट निकाल के इसको और ध्यान से देखना जितनी थ्योरी मैंने बताई है ना उससे रिलेट करना ये वाली चीज क्या है ये जो फूला सा हिस्सा है ना दिस इज दी टर्मिनल दर्मिनल सिस्टरनाज्मिक रेटिक्यूलम सार्को प्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में जितनी बातें मैंने अभी तक बोली हैं एक सिंगल डायग्राम के जरिए पूरी की पूरी चीज का रीकैप देखो जल्दी से वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स सेवन एट करके सारे पॉइंट्स बता रहा हूं नंबर वन पे मोटर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आया ये रहा जी एक्शन पोटेंशियल नंबर टू एक्शन पोटेंशियल ने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को प्री सेनेप्टिक मेम्ब्रेन में खोल दिया जिसके कारण कैल्शियम की एंट्री हुई और एक्सॉन एंड बल्ब में कैल्शियम की एंट्री ने एसिटाइल कोलिन को रिलीज कराया सेनेप्टिक वेसिकल्स का जो प्रोटीन था सैनेप्सिन उसको फॉस्फोरिलेट करा सेनेप्टिक वेसिकल्स ने कहा अब हम दौड़ के जा रही हैं हम फ्यूज कर जाएंगी जाकर के और बहुत से प्रोटीन ने कहा हम इसमें इन्वॉल्व होंगे सैनेप्टोब्रेविन इसके अलावा सैनेप्टो राइट right? उन सब का रोल यहां पे देखा हमने ये हरे रंग से वेसिकल्स हैं नंबर थ्री आ गया एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ नंबर फोर पे एसिटाइल कोलिन जैसे ही बाइंड करा है अपने रिसेप्टर के साथ सोडियम की एंट्री हुई सोडियम की एंट्री के बाद नंबर फाइव पॉइंट क्या है लोकल करंट बिटवीन डीपोलराइज एंड प्लेट एंड द एडजस्टेंट मसल प्लाज्मा मेमब्रेन नंबर सिक्स पे मसल फाइबर एक्शन पोटेंशियल सोडियम का इन्फ्लक्स होने से एक्शन पोटेंशियल फिर वो प्रोपेगेट करता गया अब साथ के साथ कोलीन का भी जरूरी है इस खूबसूरत से वीडियो के जरिए देखो स्पाइनल कॉर्ड से एक्शन पोटेंशियल आया और मसल कॉन्ट्रैक्ट करा है. है ना बात कितनी सिंपल लग रही है बिल्कुल मॉलिकुलर लेवल पे हम जाएं तो ये सब कैसे हो रहा है देखो जी एनलास्ट व्यू में आप देख पा रहे हैं एक एक्सॉन का एक्शन पोटेंशियल पहुंचा है एक मसल फाइबर तक और मोटर न्यूरॉन ने स्केलेटल मसल फाइबर तक पहुंचा दिया एक्शन पोटेंशियल को अब अब इस चीज को एनलार्ज व्यू में देखो एक सिंगल मसल फाइबर उसमें एक्सॉन एंड बल्ब कैसे जाकर के लगे हैं फिर हम एक एक्सॉन एंड बल्ब को एनलार्ज कर देंगे और दिखाएंगे सेनेप्ट वेसिकल्स कैसे अपना न्यूरो रिलीज करते हैं देखिए जरा गौर से सिमरन गोस्वामी जल्दी ही बायोकेमिस्ट्री की क्लास भी लेंगे जी आपके साथ बच्चे क्लियर है नेक्स्ट देखो ये हरे से रंग से आपको मोटर एंड प्लेट नजर आ रही है अब एक सेनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर चले जाओ और नीचे आपको ऐसे ऐसे वो सेनेप्टिक लेफ्ट दिख रही है यू यू एस 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 करके बना हुआ ठीक है नेक्स्ट देखो इस सोलर स्ट्रक्चर के अंदर अंदर दिख रही हैं। ये synaptic vesicles के के नजर आ रहे है। right? synaptic vesicles जाकर डॉक कर जाएंगी एक्टिव जोन पे और वहां पे सेनेप्टो ब्रेविन इन सब प्रोटीन का रोल है ये दिखाया गया है जी कैल्शियम का इनफ्लक्स कैल्शियम कैल्शियम अंदर आए कैल्शियम ने कहा सेनेप्टिक वेसिकल्स हम आ गए हैं चलो अब हम लोग तुम्हें आजाद कराएं तुम्हारे अंदर जो एसिटाइल कोलीन है उसकी बौछार करा दें। क्लेफ्ट में क्लियर है जी राइट right? आगे देखिए कोलीन जाकर के अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कराइए ग्रीन कलर से दिख रहे हैं कोलीन के रिसेप्टर्स ब्लैक कलर से एसिटाइल है एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स लाइग एंड गेटेड चैनल्स और ये जैसे ही बाइंड करा है तो सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा रेड कलर से सोडियम आइंस देखें सोडियम की एंट्री और ब्लू कलर से पोटेशियम आइंस बाहर जा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज आइंस अंदर आएंगे पॉजिटिवली चार्ज आइंस बाहर जाएंगे लेकिन ज्यादा अमाउंट में सोडियम अंदर आता है तो इसलिए अंदर का जो एरिया है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है दिस इज दिटाइल एंजाइम जो पर्पल कलर से आया है ना ये कहेगा एसिटाइल कोलिन तुम्हारा काम हो गया ना भैया चलो अब निपटो यहां से अगर तुम लगातार जुड़े रहे तो तुम तो लगाताराटल तो तो so, एंजाइम ब्रेक कर देता है एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड एंड कोलिन में और ये एंजाइम कहा प्रेजेंट है इसी में ये जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स है ना यहां पर ही प्रेजेंट है देख लीजिए Termination of the ACh activity. This is very important. The effect of ACh binding lasts briefly because ACh is rapidly broken down by the enzyme AChE, acetylcholinesterase. What is the name of the enzyme? Acetylcholinesterase. Where is it present? It is attached to collagen fibers in the extracellular matrix of the synaptic cleft. Synaptic cleft jo collagen fibers हैं, present hai. इट ब्रेक्स डाउन एसीएच इनटू एसिटाइल एंड कोलीन राइट और कोलीन फिर वापस डिफ्यूज कर जाता है एक्सॉन एंड बल्ब में ताकि उस कोलीन का फिर से इस्तेमाल किया जा सके किस चीज के लिए दोबारा एसिटाइल कोलीन बनाने के लिए एक और कंसेप्ट समझिएगा क्वांटल रिलीज ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस क्वांटा पैकेट्स में रिलीज हो रहा है ईच नर्व इंपल्स एक नर्व इंपल्स आई इट रिलीजस एसिटाइलकोलाइन फ्रॉम अबाउट 60 साइनेप्टिक वेसिकल्स एक इंपल्स लगभग 60 साइनेप्टिक वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराती है और एक वेसिकल के अंदर दस हजार मॉलिक्यूल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर के राइट right, जी तो ये जो स्मॉल क्वांटा यानी पैकेट्स में रिलीज हो रहा है एसिटाइलकोलाइन ये रैंडमली हो रहा है ये अपने आप भी होता है रैंडमली ऐसा हो रहा हाँ है इंपल्स आया रिलीज हुआ इतना सा एसिटाइलकोलीन कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करवा सकता सो दिस स्मॉल रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलीन प्रोड्यूसेस माइन्यूट डीपोलराइजिंग स्पाइक हल्का सा पोटेंशियल चेंज कर पाएगा वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का और उसको कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल अबाउट 5.5 मिलीवोल्ट्स इन एम्प्लिट्यूड आप मेरी बात समझ रहे हैं एक इंपल्स आई हल्का सा एसिटाइलकोलीन रिलीज हुआ हल्का सा बदलाव हुआ मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने वाला इससे उसके लिए बार बार एसिटाइल ज्यादा मात्रा में आएगा तो ऐसा होगा साइज ऑफ द क्वांटा साइज ऑफ द क्वांटा ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज इन दिस वे वेरीज डायरेक्टली विद द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कितना कैल्शियम अंदर आया उस हिसाब से कितना क्वांटा रिलीज होना एंड इनवर्सली इट इज रिलेटेड विद द मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन राइट वेन द नर्व इंपल्स रीच द एंडिंग द नंबर ऑफ क्वांटा रिलीज इंक्रीजेज बाय सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नर्व इंपल्स आती जा रही है जिसके कारण क्वांटा बढ़ता जा रहा है और पोटेंशियल बेहतर हो जाएगा राइट right, जी क्लियर है इतना इज इट क्लियर अभी तक मैंने क्या समझाया है न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन सिर्फ कहानी इतनी पड़ी है एक्सॉन एंड बल्ब पे एक्शन पोटेंशियल आया एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ ऐसीटाल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करा मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल बन बस इतनी बात अभी हमने ये नहीं देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करा है वो तो एक बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है आने वाले क्लासेस में देखेंगे अब इसी में हमें और समझना है डिजीजेस ऑफ द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड डिजीजेस दो मेन चीजें पढ़नी है माइस्थीनिया ग्रेविस एंड सेकेंड इज लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम ग्रेविस एंड टन सिंड्रोम दोनों की डिटेल्स हम आने वाले सेशन में जानेंगे राइट इसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स न्यूरो जंक्शन पे काम करती हैं तो आई होप कि आपने आज का सेशन एंजॉय करा होगा एंजॉय करा है तो लाइक एंड शेयर करना तो बनता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स डिजीजेज के लिए अगला सेशन आपको देखना पड़ेगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार कहता हूँ फिर मिलेंगे अगले सेशन में और बेहतरीन स्लाइड्स के साथ तब तक पढ़ते रहिए खुश रहिए बाय बाय नमस्कार गॉड ब्लेस यू ऑल